क्या आपको पता है खीरा आपके लिए कई बार खाना परेशानी का भी कारण बन सकता है? मतलब किन लोगों को खीरा खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। पहले समझते हैं खीरे में मिलता क्या क्या है। सबसे पहले तो 95% तक खीरा में पानी होता है, मतलब वाटर रिच होता है। इसके साथ फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। तो कंप्लीट उसमें काफ़ी कुछ होता है, इसलिए गर्मियों के सीज़न में तो खीरा बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किन्हें नुकसान करता है? स्पेशली रात में खीरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खीरा को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसकी वजह से आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है या आपकी रात की नींद खराब हो सकती है। इसके साथ ही खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आ सकता है, इसलिए भी रात में अवॉइड करें, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए खीरा रात में बिल्कुल अवॉइड करें, कोशिश करें दिन में खाएं, क्योंकि इसे जब आप चलते फिरते रहेंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही वो लोग रात में तो स्पेशली अवॉइड करें जिन्हें पेट की किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कब्ज, एसिडिटी है, लूज मोशन है, या किसी भी तरह की कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो लोग रात में खीरा खाना अवॉइड करें, और जितना कम से कम हो वो लोग कम से कम खीरा खाएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।